तो आज मैं आपको सूजी का केक बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल और इजी। और उसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल देंगे कॉफ़ी पाउडर। तो चलिए देखते हैं क्या हमें चाहिए सामान। तो ये जो चाय की कप होती है ये सबके घर में अवेलेबल होती है। इससे मैंने 2 कप सूजी लिया है और 1 कप चीनी लिया है, और इसे मैंने बारीक पीस लिया है और इसे मैंने छन्नी की सहायता से छान लिया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा सूजी है, बहुत ही मोटा सूजी था तो हमने इसे भी पीस लिया है और छन्नी की सहायता से छान लिया है। आप इसे ज़रूर छान लें अगर आपका सूजी मोटा है। और ये दही, ये हमने घर में ही जमाया है, बिल्कुल फ्रेश दही है। और ये हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कांच का बॉल लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही। आप देख सकते हैं ये मैं 1/2 दही डालूंगी, ये हमारा घर का फ्रेश दही है, ये मैंने 1/2 दही डाल दिया। अब हम इसे फेंट लेंगे अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी लंग्स ना रहे, इस तरीके से फेंट लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 मिनट तक फेंट लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने 1 मिनट तक फेंट लिया है, 1 मिनट और फेंट लेंगे, बिल्कुल अच्छा फेंट लेंगे, इसमें कोई भी लंग्स ना रहे। इस तरीके से आपको फेंटना होगा, आप चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। अब ये हमारा हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, चीनी ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 कप चीनी लिया तो मैं ये 1/2 डालूंगी। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने चीनी, पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर दिया, इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाता है, आप इसे टेस्ट कर भी डालें, केक भी आपका बहुत स्मूथ बनेगा। तो ये हमने ऑयल लिया है 1/2 कप, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ये दही और चीनी और तेल ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 2 मिनट इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये हमने 2 मिनट तक फेंट लिया है, बिल्कुल तेल और दही और चीनी मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा पिसा हुआ सूजी, वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे कि हमारे लंग्स ना बने। इस तरीके से आप भी बनाएं। हमने किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक साथ ना डाले वरना लंग्स बन जाएंगे, आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल स्मूथ बनना चाहिए हमारा केक। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसे 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। ये मैंने 10 रुपये वाले सैसे कॉफ़ी लिए हैं, अब वो इसमें हम 1/2 चम्मच ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया कॉफ़ी पाउडर फ्लेवर के लिए, और हम इसे करेंगे मिक्स। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह, कुछ भी लंग्स इसमें ना। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ढककर, ढककर 10 मिनट तक रेस्ट दे दें। तो आप ये देख सकते हैं मैंने केक का टैन लिया है, इसमें मैंने तेल लगा के मैदा डाल के इसे अच्छे से कोट कर लिया है, और एक्स्ट्रा मैंने सारा इस तरीके से करके सारा निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा बिल्कुल निकल चुका है। अब इसे हम साइड में करते हैं। अब हम लेते हैं कांच का ग्लास और उसमें हम डालते हैं ये कॉफ़ी पाउडर। ये हमने सारा इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लिया। ये मैं बनाऊंगी पेस्ट केक को सजाने के लिए। आप इस तरीके से बनाएं, लोग केक तो बनाते बट उसके लिए उसको बहुत टेंशन होता है कि केक के लिए क्रीम क्या बनाएं। तो मैं कॉफ़ी से ही आपको क्रीम बनाना सिखाऊंगी इस तरीके से। और ये हमारा बचा हुआ पिसा हुआ चीनी, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे मेल्ट कर लेंगे।
इसे मेल्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आप सारी चीनी इसके अंदर ऐड कर दें। पानी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसे हम कम से कम 5 मिनट तक फेंट लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा जब तक हम, ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट फेंटा है। आप इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक इस तरीके से फेंट लें। आप ये देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो गया इसे फेंटते फेंटते। आप देख सकते हैं इसका कलर इतना बढ़िया आया। हम इसे 5 मिनट और फेंट लेंगे इसी तरीके से। आप फेंटें इसे फेंटते फेंटते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा, तब तक आप फेंट लें। चलिए जब तक हम अपना बेक कर लेते हैं केक। 10 मिनट हो चुका है, हम अपना देख लेते हैं सूजी का पैटर्न कैसा है। ये देखिए हमारा सूजी फूल गया है और ये बिल्कुल अच्छा बन चुका है। आप इसे 10 मिनट रेस्ट ज़रूर दें इसे फूलने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर। आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं डाल दूंगी आधा चम्मच। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल के इसे करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लें कभी लंग्स ना रहे। दो मिनट तक चला लें। आधे चम्मच से भी कम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है, अब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा केक अंदर से फूला फूला बिल्कुल स्पॉन्जी जालीदार बने। आप सोडा ज़रूर डालें। हम 2 मिनट तक अच्छे से, ये हमने फेंट लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसे ऐड कर देंगे कंटेनर में। मैंने ले लिया और ये मैं इसके अंदर सारा पैटर्न, तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सारा पैटर्न डाल दिया। इसमें कोई भी एयर ना रहे इसके लिए हम ढक कर लेंगे 2-3 बार। अब हम इसे कुक कर लेंगे। चलिए इसे पकाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसे सावधानी से खोल लेंगे। इसके नीचे मैंने तवा लगाया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के नीचे मैंने तवा लगा दिया। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसे ढक के पकाएंगे 30 से 35 मिनट तक। लो टू मीडियम गैस रखेंगे और इसे 30 से 35 मिनट तक पका लेंगे। देख सकते हैं मैंने इसे लगभग 10 मिनट तक फेंट लिया है। आप इसका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल भी गिरे नहीं। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का हमें चाहिए इसका टेक्सचर। इसे हमने 10 मिनट देख सकते हैं। हमारा 40 मिनट हो चुका है। अब हम इसे खोल के देख लेंगे। देखिए हमारा केक कितना फूल गया है। अब इसमें हम स्टिक डाल लेंगे। ये बिल्कुल ग्रीन आया है, इसका मतलब ये हमारा केक अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पक चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने क्रीम बनाया है खुद से, दूध से बनाया है। ये मैंने आधा कटोरी दूध लिया है और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा डाला है और इसे पका लिया है। और इसे ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से कवर करके मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। ये बिल्कुल जम गया है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरीके से फेंटते रहेंगे फेंटते रहेंगे। ये हमारा क्रीम तैयार। मैंने इसे 5-6 मिनट फेंट लिया है खूब अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, एकदम क्रीमी क्रीमी। आप इसी तरीके से केक सजाने के लिए आइटम बना सकते हैं।
अभी लॉकडाउन चल रहे हैं तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा आपको कुछ आसान कर दूँ घर में ही बनाने के लिए। किसी के बर्थडे हो, कुछ भी हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इससे। चलिए अब हम केक अपना देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल बन चुका है, अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। एक बार ढक कर लिया, आप देखिए कितना इजीली हमारा केक निकल जाता है। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया है और बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। आप देख सकते हैं ये केक का, ये देखिए टेक्सचर, और ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। चलिए इसे अब हम सजाने का काम कर लेते हैं। इसे पहले हम नाइफ की सहायता से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैं इसे नीचे से कट करूंगी इस तरीके से। इसे अलग अलग कर लूंगी दो पीस में केक सजाने के लिए। आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से रख के और इस तरीके से नाइफ की सहायता से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना जालीदार हमारा केक बना है। ये हमारा कॉफ़ी केक है। अब हम इसे इधर रख देंगे साइड में। अब इसे हम कर लेंगे डेकोरेशन। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने अपना क्रीम बनाया, एक लेयर क्रीम का अच्छे से फेंक लेंगे और वो इस पर डाल देंगे और इसे अच्छे हल्की हाथों से फैला लेंगे। इस तरीके से फैला लें। तरीके से बनाएं घर में ही, घर की चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है ये केक। मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, उसे बहुत ही पसंद है ये केक। लॉकडाउन में मैं घर में ही बना के आप इस पर कोट कर लें, एक लेयर कोट कर लें। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हुआ। अब इसके ऊपर हम ये डाल देंगे अपना बाकी का, ये वाला इस तरीके से। अच्छा, हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। ये कितना बढ़िया टेक्सचर आया, लुक आया। अब हमने जो ये बनाया था इसका कॉफ़ी का, वो इस पर डेकोरेशन करेंगे। और ये मैंने एक चॉकलेट बिस्किट ले लिया, उसे मैंने पीस लिया और दूध थोड़ा सा डाल के इसे मैंने सिरम बना लिया। आप इसके ऊपर कोट कर लें इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बिस्किट का कोट कर दिया है। अब मैं इस पर कॉफ़ी का कोट करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने चॉकलेट वाला भी डाल दिया और इस पर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए टूटी फूटी डाला। आपके पास है तो आप डालें, अगर आपके पास नहीं है तो ये स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वाओ, इसका कितना बढ़िया लुक आया है। आप देख सकते हैं ये मैंने सारे हाथ से ही बनाया है। इसमें कुछ भी क्या कहते केक बनाने का जो आता है मटेरियल, वो सब कुछ भी नहीं है, घर के मटेरियल से बना है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार बने हैं। ये देखिए कितना ईजीली हमारा कट जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये देखिए वाओ, ये हमने अंदर में क्रीम डाला था तो ये बिल्कुल क्रीमी का टेक्सचर आया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने मज़ेदार। ये देखिए इसका टेक्सचर, वाओ कितने जालीदार बने। ये बहुत ही सॉफ्ट बने इसलिए ये टूट जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है ये। इस तरीके से आप बनाएं और खाएं और बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया, बिल्कुल है ना बाज़ार जैसा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों फैमिलियों को शेयर करेंगे।